नमस्कार दोस्तों, मैं करण सिंह चौधरी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप ही के चैनल फ्यूचर प्रॉपर्टीज़ में। आज आपके लिए लेके आए हैं एक बेस्ट क्वालिटी की, प्रीमियम क्वालिटी की प्रॉपर्टी जो कि आपको मिलने वाली है बिल्कुल मार्केट के अंदर। दोस्तों लोकेलिटी की बात करूंगा तो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो स्टार्ट किया, बिल्कुल रोड से आप देख पा रहे हैं। इस रोड का साइज़ लगभग 30 फीट का है और ये जो इंटरनल रोड है ये 20 to 22 फीट की रोड है और यहाँ से मैं आपको ले जाना चाहूँगा। तो दोस्तों हम प्रॉपर्टी में पहुँच चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे इस प्रॉपर्टी को। साइज़ की बात करता हूँ 25x50 का साइज़, बाकी मैं अभी आपको इंटरनली इसका बताऊंगा ले जाके कि क्या क्या साइजेस हैं रूम के। मैं बात करूंगा यहां से डिस्टेंस की, अगर मैं बात करूं यहां से ISBT की तो ISBT लगभग यहां से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। रेलवे स्टेशन यहां से 204 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहीं से आपका हर्रा वाला स्टेशन जो है वो भी 4 to 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूं, कैलाश हॉस्पिटल जो कि एक ब्रांडेड हॉस्पिटल माना जाता है हार्डली यहां से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और हाईवे से इसका डिस्टेंस हार्डली 600 मीटर है। दोस्तों संस्कार स्कूल जो कि इंटरनेशनल स्कूल है वो आपका पास में है, आपका DAV स्कूल पास में है, डिफेंस कॉलोनी बिल्कुल लगती हुई है इस एरिया के साथ में। तो यहाँ से ये जो प्रीमियम क्वालिटी की जो आपके लिए ये लेके आए हैं आज हम प्रॉपर्टी, आप इस प्रॉपर्टी को देखे बहुत खुश होने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को शुरुआत से लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि मैं आपको पूरी डिटेल्स बता पाऊँ इसके विषय में। आइए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों गेट की। गेट ये प्रेस आयरन से बना हुआ है, यानी स्ट्रांग है, हैवी है और इतना हैवी गेट अमूमन कोई लगाता नहीं है। क्वालिटी में पूरा कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। आइए मैं अब आपको यहाँ से दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं पार्किंग की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने खुद टेस्ट किया है, मेरी SX4 यहाँ पे इजीली लग जाती है, काफी बड़ा है और देख पा रहे हैं यहाँ पे 6 to 7 बाइक आ सकती हैं यहाँ पे और एक बड़ी कार आ सकती है। उसके बाद अब मैं यहाँ से लेके चलूंगा आपको, यहाँ पर थोड़ा सा हमें स्पेस मिलता है किचन गार्डन के लिए, आप यहाँ पे अपने गमले वगैरह लगा सकते हैं। यहीं से हम जैसे ही ड्रॉइंग रूम के लिए एंट्री लेते हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा ड्रॉइंग हॉल। ड्रॉइंग हॉल का साइज है 13.5x12 का, ये आपको ड्रॉइंग हॉल बड़ा सा मिलता है। इसमें आप देख पा रहे हैं सोफे लगे हुए, 5 सीटर लगा हुआ है। उसके बाद भी हमारे पे काफी स्पेस यहाँ पर मिलता है, यानी काफी बड़ा स्पेस है। वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है, आप देख पा रहे हैं 6x5 की यहाँ पे आपको विंडो मिलती है। डोर जो है अगर मैं इसकी वुडन की बात करता हूँ दोस्तों, वुडन इसमें बहुत बढ़िया क्वालिटी का यूज किया गया है कि जो चौखटे हैं इसकी वो साल की हैं और जो इसका वुडन है जो दरवाजा लगा गया है वो देवदार का है, वो आप देख पाएंगे जब आप यहाँ पे साक्षात आएंगे, उसके बाद आपको पता लगेगा। आइए मैं अब आपको यहाँ से लेके चलता हूँ अंदर की तरफ। दोस्तों यहाँ से सबसे पहले आपको किचन के दर्शन कराऊंगा। किचन का जो साइज है वो 12x10 का है, आप देख पा रहे हैं काफी बड़ा साइज है। भी आपके ड्रॉर लगे हुए हैं, ये सब उम्दा क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है। चिमनी इसमें फिटेड है आपका, इसमें देख सकते हैं कैबिनेट भी बने हुए हैं। आपको यहाँ पर कोई भी असुविधा नहीं होने वाली है, सब कुछ आपको यहाँ पे इनबिल्ट मिलने वाला है इस किचन के अंदर। दोस्तों अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर डाइनिंग रूम भी मिलता है, यहाँ पे आप लगा सकते हैं अपना डिनर सेट। और उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पर जो भी लोग आते हैं जैसे मेहमान वगैरह आपके आते हैं तो उसके साथ आपको यहाँ पर अटैच इसके साथ ड्राइंग हॉल के साथ में आपको एक टॉयलेट मिलता है। टॉयलेट का साइज ठीक ठाक सा है, 8x6 का लगभग ये साइज है इसका। आइए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ, ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है, साइज 12x12 का है, साइज काफी बड़ा देख सकते हैं आप, डबल बेड लगा हुआ है, अलमीरा इसमें फिटेड है। अलमीरा का साइज जो है वो फुल है, फुल लेंथ की है, 11 फीट की लगभग अलमीरा है, प्रेस की अलमीरा है। दोस्तों अगर आप इसको खोलेंगे काफ़ी हैवी मेटल इसमें यूज़ किया गया है। इसमें वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो दी गई है, अब मैं पीछे से दिखाऊंगा, वेंटिलेशन के लिए लगभग 3 फीट की जगह छोड़ी हुई है वेंटिलेशन के लिए। और यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो देखिए आपको टॉयलेट यहाँ पर मिलता है 8x5 का। आइए दोस्तों अब मैं यहाँ से आपको दर्शन कराना चाहूँगा आउटसाइड के। ग्राउंड फ्लोर में जब हम यहाँ से चलते हैं तो हमें यहाँ पर स्टेयर्स के नीचे हमें यहाँ पे छोटा सा स्टोर मिलता है, स्टोर रूम जिसमें कि आप अपना सामान रख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं बात करूँ देखिए आप आ रहे होंगे 3 फीट का गैप इन्होंने छोड़ा हुआ है वेंटिलेशन के लिए, काफ़ी बड़ा गैप है ये, तो वेंटिलेशन की आपको समस्या नहीं होने वाली है। दोस्तों आइए दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। सबसे पहले चलते चलते मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो स्टेयर्स का यूज़ किया गया है स्टेयर्स में मार्बल लगा हुआ है, जो स्टेयर्स का साइज़ है वो 9 इंचज का है ताकि किसी हमारे बुजुर्ग वार जो हमारे घर में तो उनको समस्या ना हो ऊपर चढ़ने में, ईजिली वो चढ़ पाएँ। जीना जो लगाया गया है ये बिल्कुल हैवी ड्यूटी है, बहुत हैवी, आप देख पा रहे हिल भी नहीं रहा है, बहुत मजबूत है। यहाँ पर एक एक मटेरियल का जो इस्तेमाल किया गया है वो बेस्ट और उम्दा क्वालिटी का किया गया है। दोस्तों तो आइए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट फ्लोर का दर्शन कराना चाहूंगा। डोर की बात करूंगा, डबल डोर आपको स्टार्टिंग में ही मिलता है यहाँ से जैसे ही हम एंट्री लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें एक बेडरूम मिलता है, साइज इसका लगभग 14x12 का है, काफी बड़ा साइज है, आप चाहें तो इसे ड्रॉइंग रूम की तरह भी यूज कर सकते हैं, काफी बड़ा है ये। और यहाँ से अगर मैं आपको बाहर ले जाऊँ तो आप बालकोनी का आनंद ले सकते हैं, ठीक ठाक सा साइज है, यहाँ आपकी चेयर्स वगैरह लग सकती हैं और आप आनंद ले सकते हैं खुली हवा का अगर आप यहाँ पे बैठना चाहें फैमिली के साथ में। उसके साथ अभी साइज ठीक ठाक सा है,
वेंटिलेशन के लिए हमें बहुत बड़ी विंडो मिलती है यहाँ पर। और इसके साथ जैसे ही हम यहाँ पे बाहर आते हैं, कॉमन इसका जो है बाथरूम मिलता है, कॉमन बाथरूम आप देख पा रहे हैं। साइज इसका 5x8 का है, ठीक ठाक सा साइज है। और थर्ड जो बेडरूम हमें यहाँ पे मिलता है, मास्टर बेडरूम, देख पा रहे होंगे साइज इसका काफी बड़ा है। अलमीरा इनबिल्ड है इसके अंदर और प्रेस की है, काफी मजबूत अलमीरा है दोस्तों। और इसी के साथ हमें इसके साथ अटैच टॉयलेट यहाँ पे मिलता है दोस्तों। दोस्तों किसी भी घर में सनलाइट और एयर, ये दो चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारी सेहत के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। अब मैं आपको यहाँ से ले जाना चाहूंगा टेरेस पे। आइए दोस्तों टेरेस पे चलते हैं। तो दोस्तों पूरी डिस्क्रिप्शन के बाद में अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस घर की बिल्डअप क्वालिटी के बारे में, क्योंकि मुझसे पूछा जाता है कि क्या ये बिल्डर ने बनाया हुआ है, क्या ये ऑनर द्वारा बना हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये ऑनर ने बना रखा है, 1.5 साल अपने लाइफ के दिए हैं इसको, बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया। मटेरियल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा दोस्तों। फर्स्ट झरने का जो मटेरियल लगता है, मुझे नहीं पता आप लोगों को कितनी नॉलेज है, लेकिन जितना भी मैं जानता हूँ, जो बिल्कुल आपका प्लांट में से जो जहर निकलता है, बीच में क्या होता है, मिक्सअप होता है इसमें। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इसकी अलग अलग ग्रेड होती है। फर्स्ट ग्रेड का सैंड लगी हुई है, थोड़ी बजरी लगी हुई है, वो यमुना हरियाणा से लाई गई है। और इसके अगर मैं सरिया की बात करता हूँ, तो 16 mm का सरिया आपका, 14 mm का और 9 mm का सरिया इसमें लगा हुआ है। लिंटर की थिकनेस है आमतौर से 4 इंच की डलती है, लेकिन जो ऑनर ने इसका खास ध्यान रखा हुआ है, ये 6 इंच की डली हुई है। तो एक एक बात का बहुत ध्यान रखा गया है, आपका मटेरियल कैसा होगा उसका ध्यान रखा गया है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, आप ये देखिए ये जो मटेरियल लगा, आप सोचिए कभी आपने देखा है किसी के रूफ में टेरेस पे दरवाजा लगा हैवी हो वो, आप देखिए ये इसकी मटेरियल क्वालिटी देखिए। मैं बजा के ठोक के आपको दिखाना चाहूंगा, इसने बंदे ने जो लगा रखा है सर, ऑनर ने लगा रखा है, मैं बयान नहीं कर सकता इस हिसाब का मटेरियल इसमें लगा हुआ है। आई गारंटी यू कि 100 साल तक ये घर कहीं नहीं जाता। 4 मंजिल उठा दीजिए, पूछिए क्यों, क्योंकि 6 फीट नीचे इन्होंने 6 फुट नीचे डाला हुआ है और 4 फीट ऊपर ये घर ऊपर है, यानी कि कई सालों तक भी आपको समस्या नहीं होने वाली। अगर रोड ऊपर भी आती है, रोड और ज़्यादा बनती है, तो भी आपको 30 से 40 साल तक कोई समस्या नहीं होने वाली है दोस्तों। तो ऐसा घर मैंने तो आज तक नहीं देखा है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको मटेरियल के मामले में, आपको यहाँ की लोकेशन के मामले में, जो एटमॉस्फेयर आपको मिलने वाला, जो सोसाइटी मिलने वाली है दोस्तों, और जो इतना बिल्डअप क्वालिटी मिलने वाली है, उसके बारे में मैं आपको 100% इस हाउस को देता हूँ। आज तक मैंने जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं दोस्तों, एक तो डूंगा का वीडियो बनाया था, एक आज का ये वीडियो है, जो कि मालिक ने बहुत इन चीजों का ध्यान रखा हुआ है, मटेरियल उमदा क्वालिटी का है। ये देखिए आप ऊपर भी क्या ध्यान रखा हुआ है, कि कभी आपको पार्टी करनी हो छोटी मोटी, आप लोग अगर ड्रिंक करने के शौकीन है, फैमिली के साथ कॉफी वगैरह पीना चाहते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी राउंड टेबल आपके लिए बड़ा और छोटा बच्चों के लिए लगा हुआ है। तो देखिए छोटी छोटी बातों का ये जो ध्यान रखा जाता है ना दोस्तों, मकान बनाने बहुत दिल से बनाया गया ये मकान, बस क्योंकि अर्जेंटली इसको उनको जरूरत है, दैट्स व्हाई दे आर सेलिंग दिस हाउस। दोस्तों इस घर का जो साइज रहने वाला है वो 25x50 का है, ये तो आपका लैंड साइज है। कवर्ड एरिया है वो लगभग 2300 स्क्वायर फीट का है, ये एरिया पड़ता है रूपनगर जोगीवाला के एडजॉइनिंग है, पास में पड़ता है। डिमांड की बात करता हूँ कि डिमांड इसकी है 90 लाख रुपीस, ओनली 90 लाख रुपए में ये मकान आपको मिलने वाला है। आई एंश्योर्ड यू कोई भी बिल्डर इस हिसाब का मटेरियल नहीं डालता है। तो इसी तरीके की वीडियोस के लिए जो हम आपके लिए लाते हैं दोस्तों, आप अपना प्यार हमें देते रहिए, ताकि हम नई नई वीडियोस आपके लिए बनाते रहें, रिसर्च करने के बाद आपके लिए नई नई चीज़ें लाते रहें। आप जल्द से जल्द इस मकान को देखिए, क्योंकि ये आपके बहुत नियर बाय रहने वाला है, जोगीवाला से आप इजीली आ सकते हैं, 600 मीटर पे है। तो अब मैं चाहूँगा कि आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इसी तरीके की कोई भी आपको वीडियोज़ बनवानी हो तो हमें कॉल ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सबका।